SMC is a public school having 5 buses, each plying in different directions for the transport of its school students. In the view of large number of students availing the bus service, the buses work 2 shifts daily, both in the morning and in the afternoon. Okay. The buses are garaged in the school. The workload of the students have been so arranged that in the morning, first trip picks up the senior students, and an hour later, second trip picks up the junior students. Similarly, in the afternoon, the first trip takes the junior students home, and an hour later, the second trip takes junior students home. Sorry, takes the senior students home. तो कुछ ऐसे होता है, देखो यहाँ पे एक लाइन है, buses are garaged in the school, मतलब उनकी पार्किंग स्कूल के अंदर होती है. तो अगर सपोज लाइक यू नो ये स्कूल है इस तरफ, ठीक है, और ये सपोज लास्ट बच्चे का घर है, लास्ट बच्चे का जो स्टूडेंट सबसे दूर रहता है, क्या होगा? मॉर्निंग में बस इधर से इधर जाएगी, सीनियर स्टूडेंट्स को लेकर वापस आ जाएगी. तो ये हो गया एक राउंड ट्रिप, जाना और उसके बाद आना, ठीक है. फिर उसके बाद स्कूल के अंदर बस वापस आ गई, जूनियर स्टूडेंट्स को लेकर जाएगी और उसके बाद वापस लेकर उनको स्कूल के अंदर ऑब्वियसली ड्रॉप कर देगी, ठीक है. उसके बाद उन लोगों ने क्या लिखा, इन द इवनिंग देखो जरा, सिमिलरली इन द आफ्टरनून द फर्स्ट ट्रिप ड्रॉप्स द जूनियर स्टूडेंट्स होम एंड देन आवर लेटर सेकंड ट्रिप ड्रॉप्स द सीनियर स्टूडेंट्स होम. तो शाम को क्या हो जाएगा, एक बार बस फिर से जाएगी, जूनियर स्टूडेंट्स को घर छोड़ के वापस आ जाएगी और उसके बाद यहां पर एक और ट्रिप जाएगा जो सीनियर स्टूडेंट्स को घर छोड़ के वापस आ जाएगा, ठीक है. तो दिन के 4 राउंड ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है. आगे चल पड़ते हैं. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर्स. तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाना इज 8 किलोमीटर्स, तो जाना आना विल बिकम 16 किलोमीटर्स. और ऐसा कितनी बार होएगा बेटा, 4 बार. तो इन ऑल इट विल बिकम कितना, 64, 16 किलोमीटर 16 16 16. तो एक दिन के अंदर देयर विल बी 4 राउंड ट्रिप्स लाइक दिस, सो देयर विल बी 64 किलोमीटर्स दैट एवरी बस विल बी ट्रैवलिंग पर डे. और याद रखना ऐसा कितना बसेस है बेटा, 5, ठीक है. ऐसा अपने पास 5 बसेस है, ठीक है. आगे, द स्कूल वर्क्स फॉर 25 डेज इन अ मंथ एंड रिमेन्स क्लोज फॉर वेकेशन इन मे जून एंड दिसंबर. चलो ठीक है. बस फीस हाउएवर इज पेएबल बाय द स्टूडेंट्स फॉर ऑल द 12 मंथ्स इन द ईयर. बोलो क्या बोलते हैं, फिर भी जो बस फीस है ना, 3 महीने बस नहीं चलता है लेकिन फिर भी बस फीस आपको पूरे साल के लिए ही पे करना है. कई लोग ना ये लाइन सुन के बहुत डिप्रेस हो जाता है, सर ये स्कूल तो चोर है, उसको बंद करवाओ. तुमको बाद में समझ में आएगा कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर वो लोग यही वाला फीस 9 मंथ्स के अंदर रिकवर करता तो हर महीने का फीस बढ़ जाता. वो तुमको बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे तभी समझ में आ जाएगा. द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर अ ईयर आर एस फॉलोस. ड्राइवर सैलरी 450 पर मंथ पर ड्राइवर. क्लीनर सैलरी 350 पर मंथ. सैलरी इज पेबल फॉर ऑल द 12 मंथ्स. ये इसलिए लिखा क्योंकि बस सिर्फ 9 महीने चलती है लेकिन सैलरी हम लोग 12 महीने के लिए देते हैं. वन क्लीनर इज एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस, ठीक है. लाइसेंस फीस टैक्सेस 860 पर बस पर एनम. इंश्योरेंस 1000 पर बस पर एनम. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3500 पर बस पर एनम. परचेज प्राइस ऑफ द बस 1,50,000. लाइफ 12 ईयर. स्क्रैप वैल्यू 30,000. डीजल कॉस्ट ₹2 पर लीटर. ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल. सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50 स्टूडेंट्स. सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर. अभी एक चीज ध्यान से सोच लेना, एक बस के अंदर सीटिंग कैपेसिटी कितने बच्चे लोगों का है, 50, एंड सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड. तो अगर मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछूं, एक बस के अंदर कितने लोग आते हैं, तुम लोग मेरे को क्या बोलोगे? सर 50. करेक्ट है लेकिन फुल्ली करेक्ट नहीं है, 100. अल्टीमेटली एक बस 100 लोगों को कैरी करेगा, 50 जूनियर्स, अभी तो बोलो 50 सीनियर्स, ठीक है. आगे,
Students picked up and dropped within a range of 4 kilometers of distance from the school are charged half the fare. And 50% of the students traveling in each trip are in this category. Okay. Ignore interest. Since the charges are to be based on average cost, you are required to A. Prepare a statement of expenses of operating a single bus and a fleet of 5 buses for the year. तो सामने आपको कुछ ना कुछ बोला है, क्या बोला है? Prepare a statement of expenses of operating a single bus and fleet of 5 buses for a year. School के पास 5 buses हैं, उनको time pass के लिए 1 bus का भी proportionate cost चाहिए और 5 buses का भी चाहिए, ठीक है? Work out the average cost per student per month in respect of students coming from a distance of up to 4 and beyond 4. मैं ना कई चीजें फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं और पार्ट सी अभी नहीं पढ़ रहा हूं, वो बाद में पढ़ेंगे. वो वाला पार्ट वैसे भी इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं पूछा, वो मैंने क्रिएट किया हुआ है जस्ट टू मेक द सम 3 times टफर, ठीक है? लेकिन वो तब पढ़ूंगा जब पार्ट बी हो जाएगा. देखो क्या लिखा है. स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन अ रेंज ऑफ अप टू 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ फेयर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी. बोलो क्या बोलता है? हम लोग ना यहाँ पे फीस डिस्क्रिमिनेटरी रख रहा है. उससे पहले देखो एक और चीज बोलता हूँ. अपने जो शुरू वाले क्वेश्चन से ना, जहाँ पे हम लोग चार्जेस पर पैसेंजर किलोमीटर निकालते थे, अभी यहाँ पर वो वाला फंडा आ ही नहीं सकता. क्यों बेटा? कभी स्कूल बस के अंदर गए हो तो वहां पे कोई कंडक्टर नहीं होता, टिकट 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 वैसा कुछ नहीं होता है. ओके, बस फीस जो होती है आप लोगों को मंथली देनी पड़ती है एंड थोड़ा बहुत इट इज डिपेंडेंट अपॉन आप लोगों का घर किधर है. तो इन लोगों ने एक डिस्क्रिमिनेशन करके रखा हुआ है. क्या? जिन लोगों का घर जो है स्कूल से 4 किलोमीटर्स तक है, उन लोगों को हाफ फीस चार्ज करेंगे एज कंपेयर टू जो 4 किलोमीटर्स के बाद रहते हैं. दैट इज द ओनली डिस्क्रिमिनेशन दैट इज देयर. और उन लोगों ने एक और चीज भी क्या बोला है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी. मतलब 4 किलोमीटर्स तक 50% लोग रहते हैं, बाकी 50% 4 किलोमीटर्स से वो आगे रहते हैं. और देखो ये एक लाइन है, इस लाइन का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंस द चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, सिंस द चार्जेस मतलब वट एवर यू चार्ज द स्टूडेंट आर बेस्ड ऑन कॉस्ट, मतलब हम लोग कुछ प्रॉफिट बीच में अपना चार्ज नहीं करने वाले. शायद स्कूल ऐसा सोचता है, अच्छे दिल का है, कि ना हम लोग वैसे प्रॉफिट कमा लेते हैं अपनी नॉर्मल फीस वगैरह से जो स्टडीज के लिए चार्ज करते हैं, तो बस वगैरह का जो भी खर्चा है वो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही प्रोवाइड करेंगे. जितना हमारा कॉस्ट हम लोग उतना ही चार्ज करेंगे. तो क्या करो, सिंस द चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, इसके नीचे लिख लेना दैट इज प्रॉफिट इज जीरो. ठीक है, चलो पार्ट ए स्टार्ट करें. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस एंड अ फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर अ ईयर. तो चलो ठीक है, टाइटल दो. चलो जरा टाइटल दो पार्ट ए, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर. सामने अपने को ऐसा बोला था, एक बस के लिए भी करो ऑफ और 5 बसेस के लिए भी करो, ठीक है? तो 3 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स, वन बस, 5 बसेस. रोमन नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, चलो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अभी बिल्कुल ऑर्डर के अंदर ही स्टार्ट करता हूं ताकि कुछ छूटे भी ना. ध्यान से, सबसे पहले जो भी एक्सपेंसेस हैं वो तो यहां से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो चलो फिर ऊपर वाला पार्ट अभी हाइड कर देता हूं. ड्राइवर सैलरी फर्स्ट, ड्राइवर सैलरी 450 पर मंथ, आगे पर ड्राइवर. ठीक है, तो मैं ना क्या करता हूं, मैं ना कैलकुलेशंस जो हैं अभी के लिए जो लिख रहा हूं, एक बस के लिए लिख रहा हूं,
तो 450 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स. 12 मंथ्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस था, सैलरी इज पेबल फॉर ऑल द 12 मंथ्स, ठीक है. इसके लिए तो ऑब्वियसली दैट अप्लाइज टू ऑल द सैलरीज, ठीक है, इंटू ऑब्वियसली वन, ठीक है, इंटू ऑब्वियसली वन 5400, ठीक है. और उसके बाद 450 इंटू 12 इंटू 5, 450 इंटू 12 इंटू 5 27,000, क्योंकि पांच बसेस होंगी तो पांच ड्राइवर भी तो होंगे ना बेटा. सेकेंड क्लीनर सैलरी, क्लीनर सैलरी कितना है 350 पर मंथ, बट देर इज वन क्लीनर फॉर ऑल द 5 बसेस, ठीक. अभी जो मैं बोलने वाला हूं ना जरा ध्यान से सुनना, ठीक है. 350 इंटू 12 इतना सैलरी उस क्लीनर को देंगे, बट याद रखना दैट गाय विल बी पेड फॉर 5 बसेस. हम लोग एक बस का प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 5 कर लेना. ये वाला कॉलम जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, आप ऐसे मत सोचो सर अगर एक बस होता तो भी तो एक ही कंडक्टर, वो एक ही तो क्लीनर होता, ओके. लेकिन फैक्ट इज एक बस नहीं है ना, 5 बसेस हैं, ये बंदा 5 बसेस को साफ करता है. तो तुमको बस हर बस का प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालने का है. ये सोच के सम्मत सॉल्व करो अगर एक बस होता तो, सामने फर्स्ट लाइन के ऊपर लिख के दिया बेटा 5 बसेस हैं. यू कांट चेंज द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, नो. सो देयरफॉर 5 बसेस हैं, यहां पे फर्स्ट लाइन के ऊपर ही लिखा हुआ है दैट देयर आर 5 बसेस आर सच, ठीक. सो 350 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 840. 350 इंटू 12, 5 बसेस के लिए तो एक ही ड्राइवर, सॉरी एक ही क्लीनर है. 350 इंटू 12 4200, ठीक है. उसके बाद थर्ड, एक सेकेंड ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट था, उसके बाद ये भी फिक्स्ड कॉस्ट था. लाइसेंस फीस पर एनम दिया हुआ है तो फिक्स्ड है, इंश्योरेंस पर एनम दिया हुआ है तो फिक्स्ड है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को सेमी वेरिएबल मान लेंगे, डिप्रिसिएशन फिक्स्ड हो जाएगा, डीजल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले लाइसेंस फीस पे आते हैं, वो तो फिक्स्ड है. लाइसेंस फीस 860 पर बस पर एनम, तो ये एक बस का ही तो कंप्यूट कर रहे हैं, 860, तो यहां पे लिख देता हूं गिवन ताकि कोई पंगा ना हो, और यहां पे 860 इंटू 5 लिख देता हूं 4300. फोर्थ इंश्योरेंस 1000 पर बस पर एनम, इंश्योरेंस गिवन, वो एक बस का ही दिया हुआ है और एक साल का ही दे के रखा हुआ है 1000, और वहां पे आ जाएगा 1000 इंटू 5, ये वाला फिगर कितना आ जाएगा 5000, ठीक है. ये वाला काम हो गया. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक मिनट के बाद करता हूं क्योंकि वो सेमी वेरिएबल के अंदर आ जाएगा. परचेज प्राइस ऑफ द बस 1,50,000, तो ये डिप्रिसिएशन के लिए काम में आ जाएगा. अच्छा, परचेज प्राइस कितना है 1,50,000, स्क्रैप वैल्यू देखो कितना है 30,000, डिवाइडेड बाय लाइफ जरा देख लो 12 इयर्स, तो ये वाला चीज डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 10,000, और वहां पे 5 बसेस हैं तो हर बस का 10,000 इंटू 5 बसेस, तो ये कितना आ जाएगा 50,000, ठीक. ये हो गया तुम्हारा रोमन नंबर 1 कॉस्ट. रोमन नंबर 2 पे आ जाते हैं, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वहां पे सबसे पहले कौन सा कॉस्ट आने वाला है, डीजल कॉस्ट. कौन सा कॉस्ट आने वाला है, डीजल कॉस्ट. डीजल ही था ना, पेट्रोल नहीं था, डीजल कॉस्ट, ठीक है. बाद में कंप्यूट करेंगे क्योंकि वहां पे किलोमीटर्स का जरूरत पड़ेगा. एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिख देना 2. फिर उसके बाद थर्ड, सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल जो अपना कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल जो अपना कॉस्ट है, मतलब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ना, 3500 यहां पे लिख देता हूं. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रोमन, एक मिनट, गिवन
3500 करेक्ट ना? हाँ पर बस पर एनम ही है, तो एक बस का एक साल का, मेरे को भी तो वही चाहिए। एंड 3500 इंटू 5 कर देता हूँ तो ये 17500 आ जाएगा। ठीक है चलो, आई गेस यही वाला चीज तुम्हारा रोमन नंबर 3 बन जाएगा, 3500 17500। ठीक है उसके बाद टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, तुम्हारा ये वाला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है टोटल कॉस्ट 1 + 2 + 3, सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर एज सच। ठीक है अभी ये सब कुछ करने के लिए आपको डीजल कॉस्ट चाहिए, डीजल कॉस्ट के लिए आपको नंबर ऑफ किलोमीटर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स क्या करता हूँ, एक बस का ही निकाल लेता हूँ, 5 बसेस का नहीं निकालता। एक बार एक बस का कॉस्ट कंप्यूट हो जाएगा, हम लोग सेम कॉस्ट को 5 से मल्टीप्लाई भी तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है तो यहां पे जरा लिखो वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर एनम, और यहां पे लिख देना स्पेशली पर बस। अच्छा सुनो, अभी नंबर ऑफ किलोमीटर्स का तुम्हारा मेरा बात हो चुका है बेटा, दिन का 64 किलोमीटर्स होएगा। 64 का कैलकुलेशन दिखा देता हूं, 8 जाना 8 आना, ये हो गया एक दिन का जाना आना, ऐसा 4 बार होता है तो इनटू 4 ट्रिप्स, तो ये हो गया 64 जो मैंने तुमको ऊपर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था। ऐसा देखो महीने में कितनी बार होता है, 25 दिन, सो देयरफॉर इनटू 25 डेज, ये हो गई एक महीने की कहानी, इनटू पूरे साल की कहानी 12, नहीं 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 महीने तो स्कूल का छुट्टी रहता है, सो देयरफॉर 9 months, 64 × 25 × 9, 14,400 किलोमीटर्स। ठीक है तो एक बस एक साल के अंदर इतना ट्रैवल कर लेता है, सो 14,400 किलोमीटर्स हो गए। ठीक है अभी एक सेकेंड वेट करो, ईच बस गिव्स अ एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ डीजल, तो डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, दिस विल टेल यू नंबर ऑफ लीटर्स रिक्वायर्ड, एंड कॉस्ट पर लीटर बेटा कितना है, 2 रुपीज × 2, सो 7,200। ठीक है 7,200, यही 7,200 इधर लिख लेता हूं, ऐसा हर एक बस के साथ होएगा इंटू 5, तो ये आ जाएगा 36,000। एक मिनट, 7,200 × 5, 36,000। ठीक चलो तुम्हारा ये वाला जो काम है ये हो गया, टोटल जरा वो कर लो एक बार, 7,200 × 36,000, तो 5,400 + 840 + 860 + 10,000 + 1,000 = 18,100, 90,500, 28,800 इंटू 5 कर लेना बेटा, बाजू वाला आंसर मिल जाएगा 1,44,000। ठीक है चलो तुम्हारा ये वाला जो काम है दैट इज ऑल टुगेदर डन, ये वाला जो अपना काम है पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है ये हो गया तुम्हारा पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, अब जरा आते हैं पार्ट बी पे। मैं ये वाला सम पार्ट बी के लिए पहले कर रहा हूं और फिर जो मेरा सॉलिड वाला पार्ट था, ध्यान से रख पढ़ो, वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 4 किलोमीटर्स एंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स, ये तुम्हारा पार्ट बी है। ठीक है अच्छा सुन, यहां पे लिखा हुआ था सिंस द चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूं, सिंस द चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, बराबर से सुनना, मेरे को ना इतना कॉस्ट है एक बस का विच आई वॉन्ट टू रिकवर फ्रॉम, सॉरी हैव टू रिकवर इट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है यहां पे। ठीक है तो ना अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक बस के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं। ठीक है तो बोलते हैं सर 5 बसेस के हिसाब से कर लो, आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बिकम 5 टाइम्स, तो पर स्टूडेंट आंसर वो सेम ही रहेगा। आई एम ट्राइंग टू कीप द कैलकुलेशंस एज लेस एज पॉसिबल। ठीक है पार्ट बी ध्यान से पहले जरा सुनना,
बराबर से सुनो, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड, ऑल्दो रेवेन्यू विल बी इक्वल टू कॉस्ट ओनली, ठीक है ठीक है, लेकिन मैं लिख रहा हूं, देखो ऊपर क्या लिखा है, कॉस्ट पर बस पर एनम कितना है 28,800, इसके ऊपर प्रॉफिट अपने को कितने का चाहिए, जीरो, तो अपने को हर बस से इतना कलेक्ट भी तो करने का है, ठीक है, हर बस का खर्चा इतना है तो इतना अपने को बच्चे लोगों से कलेक्ट भी तो करना है, सो दिस इज रेवेन्यू पर बस पर एनम कितना है बेटा 28,800। सामने में वो क्या बोला कि ना आप फीस एवरेज कॉस्ट बोले तो फीस होनी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन तो जीरो है, पर स्टूडेंट पर मंथ निकाल के दो, सो दिस रेवेन्यू हैज टू बी स्प्रेड अमंग द स्टूडेंट्स एंड यू वांट टू बी फिक्सिंग देयर चार्जेस पर मंथ, सो वी ऑल हैव डिसाइडेड कि इतना जो अपना खर्चा है जो अपने को रिकवर करने का है, दिस विल बी स्प्रेड ओवर ऑल दी 12 मंथ्स। देखो यहां पे वो लिखा हुआ था बस फीस हाउएवर इज पेएबल बाय द स्टूडेंट फॉर ऑल द 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है, तो यहां पे मैं डिवाइड बाय 12 कर रहा हूं। अभी एक बार रुको जरा प्लीज, ये वाला आंसर जरा करो 2400, ठीक है, तो दिस इज द रेवेन्यू दैट आई वांट टू बी कलेक्टिंग फ्रॉम माय स्टूडेंट्स फॉर एवरी मंथ। मैं तुमको वही बोल रहा था, अगर वो लोग ऐसे बोलते ना बस फीस इज टू बी कलेक्टेड फॉर 9 मंथ्स, तो आप इसको 9 से डिवाइड कर देते तो पर मंथ जो बच्चा लोग पे करता वो बढ़ जाता है ना, तो ये कोई अनफेयर वगैरह वो नहीं है, ठीक है। अभी जरा लिखो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स ओवर विच फीस इज टू बी कलेक्टेड 12, लिखो जरा प्लीज, ये डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स ओवर विच द फीस इज टू बी कलेक्टेड। This will give you fees per month to be collected. तो याद रखना ये जो अमाउंट आ रहा है ना 2400, ये मेरा हर एक मंथ का हर एक बस का खर्चा है। ये वाला अमाउंट आपको किससे रिकवर करने का है, आपको उन लोगों से रिकवर करने का है जो उस बस के अंदर बच्चे ट्रैवल करते हैं, और क्या, तो आप अभी फीस फिक्स करो। याद रखना ये वाला चीज हर बच्चे से रिकवर नहीं कर रहा है, दिस इज द टोटल अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स डज नॉट मीन 50 स्टूडेंट्स, इट मीन्स 100 स्टूडेंट्स, 50 जूनियर्स 50 सीनियर्स ट्रैवल इन ईच बस, नो, ठीक है। अब जरा देखना अब मैं क्या करने वाला हूं, बराबर से सुनना, लेट, देखो जो तुमको चाहिए होता है ना आप लोग उसको एक्स ले लो, लेट द फीस पर स्टूडेंट, देखो यहां पे जो चाहिए मैं वही कर रहा हूं, देखो जरा वर्कआउट एवरेज फीस, सॉरी एवरेज कॉस्ट मतलब फीस पर स्टूडेंट पर मंथ, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर एंड बियॉन्ड 4, जो मेरे को चाहिए ना मैं उसको एक्स ले लेता हूं, लेट द फीस पर स्टूडेंट पर मंथ अप टू 4 किलोमीटर्स बी एक्स, बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स बी 2x, क्योंकि वो उसका डबल होना चाहिए ना, ये वाला चीज यहां पे वो लिखा हुआ था कि जो अप टू 4 रहता है उसको हाफ फेयर चार्ज कर देता है एज कंपेयर टू दोज जो 4 किलोमीटर्स के बियॉन्ड रहता है, ठीक। अभी स्टुपिड क्वेश्चन बट स्टिल आई विल आस्क यू, देखो मेरे को इतना कलेक्शन करने का है, हर बच्चे से कलेक्शन x और 2x होगा, क्या मेरा इक्वेशन ऐसा बनना चाहिए x प्लस 2x इज इक्वल टू 2400? नहीं बेटा, x इज फीस पर स्टूडेंट पर मंथ, दिस इज द टोटल कलेक्शन टू बी डन, टोटल कलेक्शन टू बी डन, ठीक है। तो अब यहां पे जरा देखना मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल कलेक्शन टू बी डन इज इक्वल टू 2400, दिस इज अ टोटल कलेक्शन टू बी डन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। अभी मैं एक ना चार्ट बना रहा हूं, ये चार्ट ऑनेस्टली इस क्वेश्चन के लिए जरूरत भी नहीं है, लेकिन पार्ट सी के अंदर ना चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी कि तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी, और ये वाला पार्ट जो है ना जो इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछा है थोड़ा सा सिंपल है, क्यों,
यहाँ पे ना बाइफरकेशन सिर्फ ऐसा ही है, अप टू 4 किलोमीटर्स, बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स उसके मतलब लाइक यू नो, वो लोग फीस डिस्क्रिमिनेटरी रख सकता था, मतलब अलग अलग रख सकता था बेस्ड अपॉन बेस्ड अपॉन जूनियर्स एंड सीनियर्स ऑल्सो। तो फिर 4 कैटेगरीज ऑफ फीस आ सकता था बेस्ड अपॉन डिस्टेंस एंड बेस्ड अपॉन कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट, कि वो जूनियर है कि सीनियर है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। सुनो, अभी ना मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर जूनियर्स एंड सीनियर्स, ठीक है। एज आई टोल्ड यहां पर इतनी जरूरत नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट मेक अ थिंग कि एवरीथिंग कम्स इन वन सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। सुन, तो सबसे पहले सीटिंग कैपेसिटी, सर वो तो बस की है 50, बराबर है, इनटू ऑक्यूपेंसी। तो सामने लिखा हुआ था आई थिंक सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। देखो यहां पे वो लिखा हुआ था किधर किधर किधर, सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर, ये वाला लाइन था इधर, ठीक है। तो 100%, तो दिस इनटू दिस विल बी गिविंग यू नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज 50, दिस इज 50, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 50। अच्छा बराबर से सुनो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50 एंड 50, ठीक है, लेकिन दीज आर जूनियर्स एंड सीनियर्स, नहीं सीनियर्स, ओके। उन लोगों ने क्या बोला कि जूनियर्स और सीनियर्स ओके के अंदर 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप टू 4 किलोमीटर्स। तो मैं ना इसको फर्दर दो कैटेगरीज के ना बांट रहा हूं, अप टू 4 किलोमीटर्स, बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स, अप टू 4 किलोमीटर्स, बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स, ठीक है। दिस विल गिव यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बाइफरकेशन। दैट्स व्हाट आई टोल्ड कि ना 4 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ऑल्दो फीस 4 कैटेगरीज के हिसाब से नहीं है, यहां पे फीस जो है जूनियर्स और सीनियर्स के हिसाब से नहीं चल रहा है, ओके, अप टू 4 और बियॉन्ड 4 चल रहा है। अच्छा, इसका 50% आर अप टू 4 किलोमीटर्स, ऐसा अपने को यहां पर देके रखा है। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। तो 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर, तो 100 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। इन टू फीस पर स्टूडेंट, ऑब्वियसली पर मंथ, मैंने इधर एक्स लिया, जो ऊपर मैंने डिफाइन किया एक्स, यहां पे 2x लिया, यहां पे x लिया, यहां पे 2x लिया। सो देयरफॉर दिस विल बी टोटल कलेक्शन, दिस विल बी टोटल कलेक्शन। तो यहां पे आ जाएगा 25x, यहां पे आ जाएगा 50x, यहां पे आ जाएगा 25x, यहां पे आ जाएगा 50x, कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन, ठीक है। तो इतना पैसा अपने को जूनियर से मिल जाएगा जो अप टू 4 किलोमीटर्स हैं, बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स हैं, सीनियर्स अप टू 4 किलोमीटर्स, सीनियर्स बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स। तो ये वाला जो अभी तुम्हारा टोटल कलेक्शन है ये कितना हो गया बेटा, 150x। लेकिन 150x इज योर टोटल कलेक्शन, एंड टोटल कलेक्शन हैज टू बी कितना रुपीज यार, 2400। बस वंस योर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल टुगेदर डन, अभी उसके बाद तो कैलसी लो, 2400 अपॉन 150, तो एक्स विल बी ₹16 आता है क्या, देखो जरा, एंड 2x विल बी 32। बस तुम लोगों को यही वाला चीज जो है आंसर करना था, ठीक है। दिस इज ICA's आंसर, ऑल करेक्ट। ऑल दो उन लोगों ने ये वाले जो आंसर है ना, कोई एक स्टूपिड वे से तो वो निकाले हैं, तुम लोग वो भूल जाओ। यू गोइंग टू बी डूइंग दिस क्वेश्चन बाई टेकिंग एक्स ओनली, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे को ना पार्ट सी पढ़ना नहीं है, तुम लोग पढ़ोगे और तुम लोग डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ये वाला पार्ट वही रहेगा, इवन इफ यू विल रीड आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सॉरी, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा वो वही रहने वाला है, तो यहां तक कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंज है वो यहां पर आ जाएगा। और वहां पे 2 कैटेगरीज का फीस नहीं होगा, 4 कैटेगरीज का फीस होगा, तो देयर विल बी 4 थिंग्स ओवर देयर। तुम लोग सम पढ़ो, 5 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद आंसर विल बी देयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और तुम लोग पढ़ो पार्ट सी, तुम लोग पढ़ो, क्योंकि मैं पढ़ देता हूं थिंग्स बिकम सिंपल, इसलिए मेरे को नहीं पढ़ना है। तुम लोग पार्ट सी पढ़ो, वो मेरा क्रिएशन है,
तुम लोग पार्ट सी पढ़ो और उसके आंसर्स लेके आओ डायरेक्टली नोटबुक के अंदर, फेयर के अंदर लिखना स्टार्ट कर देना। इस वक्त वीडियो पॉज कर लो। चलो, आई थिंक सो दैट यू मस्ट हैव डन। आई एम ट्राइंग टू डू द थिंग्स ऑन स्लाइटली फास्टर। लेट द फीस पर स्टूडेंट पर मंथ जूनियर्स अप टू 4 किलोमीटर्स बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स सीनियर्स अप टू 4 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको एक्स लिया रहेगा। ठीक है, अभी अगर इसको एक्स लिया, बराबर से सुनना, तो सामने देखो अभी पार्ट सी के अंदर क्या बोला था। फिक्स द फीस पर स्टूडेंट पर मंथ इन सच अ वे दैट जूनियर्स बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स आर चार्ज 3 times एज कंपेयर टू जूनियर्स अप टू 4 किलोमीटर्स। तो अगर ये एक्स हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, 3 times ना। सीनियर्स विल बी चार्ज फीस विच विल बी 1.5 times एज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव जूनियर्स। तो सीनियर लोगों का फीस विल बी 1.5 गुना एज कंपेयर टू जो उनके जूनियर्स हैं, रिस्पेक्टिव जूनियर्स। मतलब जो अप टू 4 किलोमीटर्स हैं सीनियर्स, उनका फीस विल बी 1.5 times एज कंपेयर टू दिस, तो ये 1.5x आ जाएगा। और जो सीनियर्स बियॉन्ड 4 हैं उनका फीस विल बी 1.5 times एज कंपेयर टू दिस, तो दिस विल बिकम 4.5x। ठीक है, काम तुम्हारा हो गया। ठीक है, चलिए, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल टुगेदर डन, योर दिस पार्ट इज ऑल टुगेदर ओवर। ठीक है, लेकिन अभी अपना वो वाला चार्ट आना बाकी है। तो टोटल रेवेन्यू अभी भी 2400 ही है वहां पे, और कुछ तो चेंज वो नहीं हुआ। तो यहां पे आ जाएगा जूनियर्स, यहां पे आ जाएगा सीनियर्स, यहां पे आ जाएगा कैपेसिटी 50-50 इनटू ऑक्यूपेंसी, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बेटा 2 पार्ट हो जाएगा, सीनियर्स का भी यहां पर 2 पार्ट हो जाएगा। दिस इज अप टू 4 किलोमीटर्स, दिस इज बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स, दिस इज अप टू 4 किलोमीटर्स एंड दिस इज बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स। ठीक है, अप टू 4, बियॉन्ड 4। अच्छा, यहां पर इट विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फीस पर स्टूडेंट, दिस विल, जो पिछली बार वर्ड्स यूज किए थे, टोटल कलेक्शन, वही वाला वर्ड यूज करता हूं, टोटल कलेक्शन। चलो, ये एक्स है, ये 3x है, 1.5x है, 4.5x है। ठीक है, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी इज ऑक्यूपाइड टू द एक्सटेंट ऑफ 60% फॉर जूनियर्स 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड 20% वेकेंट फॉर सीनियर्स, 20% सीट्स वेकेंट रहता है, मतलब ऑक्यूपाइड कितना होता है, 80%, तो ये हो जाएगा 40 स्टूडेंट। तो 30 जूनियर्स हैं, सीनियर्स 40 हैं। अभी 30 का भी बाइफर्केशन दिया हुआ है, 40% ऑफ द जूनियर्स स्टे अप टू 4 किलोमीटर्स, तो इसका 40% स्टे अप टू 4 किलोमीटर्स, तो ये 12 हो जाएगा, तो बाकी 18 बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पे देखो क्या लिखा है, 70% ऑफ द सीनियर स्टे बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स। मैंने सब बनाया हुआ, तुम लोगों को समझ में आ गया रहेगा, 70% स्टे बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स, तो इसका 70%
बियॉन्ड 4 28, तो इधर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 40 के से 28 इधर गए, 12 इधर रह गए, ठीक है। बस अपना काम हो गया, 12x प्लस 54x प्लस 18x प्लस 126x, दिस इज गोइंग टू बी माय टोटल कलेक्शन, और टोटल कलेक्शन 2400 है। तो x निकाल लेंगे 11.43, 3x निकाल लेंगे, 1.5x निकाल लेंगे, 4.5x निकाल लेंगे, 34.26 ले लेते हैं, नहीं 29 ले लेते हैं, 17.14 ले लेते हैं, 51.43 ले लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। चल तुम्हारा ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज ऑल टुगेदर डन। मैंने यहां पे दो तीन चीजें वो लिखी हुई हैं, ठीक है, पढ़ लेना बस। इट इज अ स्कूल नॉट अ स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, इन सच केसेस फीस इज फिक्स्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑन अ मंथली बेसिस, एज चार्जेस आर बेस्ड ऑन कॉस्ट इट मीन्स दैट प्रॉफिट no profit is to be charged. ICA solve such questions in a stupid way. I should not write, लेकिन ठीक है चलो. We solve by taking x. Whatever you have to find as a final answer, take that as x. ठीक है? तो जो आपको चाहिए होता है x, वो ले लिया करो, equation बना के solve कर लिया करो, ठीक है? चलिए. दिस क्वेश्चन इज ऑल टूगेदर। वैसे मेरे को जरा बोलो होटल सेक्टर के ना बाई डिफॉल्ट तुम्हारा यूनिट क्या होता है? बाई डिफॉल्ट योर यूनिट इज नंबर ऑफ रूम डेज, ठीक है। तो चलिए इस चीज से लेट्स ट्राई टू स्टार्ट अवे विद द क्वेश्चन। लीला ग्रुप ऑफ होटल्स रन्स अ चेन ऑफ होटल्स थ्रू द वर्ल्ड, इट हैज इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई, द मैनेजमेंट हैज बीन प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, and first hotel it has selected is Hotel Leela Mumbai. The hotel does not remain fully occupied always, however much depends on seasons, theek hai. For this purpose the year is divided into three parts, summer, winter, monsoon. Each season is of 4 months. There are three types of rooms, ordinary, deluxe, aristocrat. Chalo theek hai. इस फर्स्ट पैराग्राफ से मेरे को पता चला दैट वी आर ट्राइंग टू टॉक ऑफ लीला ग्रुप ऑफ होटल्स, उसकी भी मुंबई ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। होटल लीला मुंबई, होटल पूरा साल ऑक्यूपाई नहीं रहता, सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं कि साल को उन लोगों ने ना तीन हिस्सों के ने डिवाइड किया है, समर, विंटर, मानसून। ईच सीजन इज ऑफ 4 months, ठीक है, ईच सीजन इज ऑफ 4 months। एक छोटा सा चीज, अभी अभी ना एक लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में पहले पढ़ रहा हूं, देन आई कम बैक। अज्यूम 360 डेज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, बस ओके। सो 360 डेज डिवाइडेड इनटू 3 सीजंस, सो ईच सीजन विल बिकम 120 डेज, एंड 120 डेज इटसेल्फ इज 4 months। तो बस याद रखना हर सीजन 4 months का है, हर सीजन 4 months का है, बोले तो 120 डेज, ठीक है। और थ्री टाइप्स ऑफ रूम है, ऑर्डिनरी, डीलक्स, एरिस्टोक्रेट। द मैनेजमेंट हैज मेड द फॉलोइंग कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर। अच्छा एक छोटा सा चीज, अभी ना ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाले अपने क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ठीक है।
दीज आर क्वेश्चन ऑन अदर इंडस्ट्रीज. अभी तक अपने जो भी क्वेश्चन थे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के थे, इवन जो स्कूल वाला क्वेश्चन था अल्टीमेटली स्कूल के, हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ही बात कर रहे थे बराबर. लेकिन अभी ऐसे खर्चों के अंदर ना, ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर यू कैन ओनली ट्राई टू हैव टू बाइफर्केशन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. यू माइट नॉट एक्चुअली गो इनटू सेमी वेरिएबल. करना चाहो तो कर भी सकते हो, कुछ हार्म नहीं है, ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन के अंदर लगा कि ऐसा है तो कर भी देंगे, बट नॉट कंपल्सरी एज सच, ठीक है. मैंने ये वाला चीज मेरे ख्याल से काफी बार बोल दिया है. इम्पॉर्टेंट है कि टोटल कॉस्ट के अंदर कॉस्ट आ जाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप उसको फिक्स्ड के अंदर डालो, वेरिएबल सेमी वेरिएबल, इतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है. द मैनेजमेंट हैज मेड फॉलोइंग कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर. डिप्रिसिएशन 15 लाख, सैलरीज 25 लाख, ट्रांसपोर्टेशन 1.5 लाख, लॉन्ड्री चार्जेस 4 लाख, बेडशीट्स 2.5 लाख, म्युनिसिपल टैक्सेस 6 लाख, ठीक है. The charges mentioned above are fixed, irrespective of capacity utilization. Irrespective of capacity utilization, whereas charges mentioned below solely depend upon capacity utilization. बोलो क्या बोलते हैं? Charges mentioned above बोले तो ये वाले. These are fixed, irrespective of capacity utilization. Capacity utilization मतलब रूम ऑक्यूपाई हो या ना हो, ये वाला खर्चा तुम्हारा होएगा ही होएगा. लेकिन जो चार्जेस नीचे दिए हुए हैं, दे डिपेंड अपॉन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. मतलब ये जो चार खर्चे हैं ना बेटा नीचे ए बी सी डी, ये वाले खर्चे तभी लगेंगे, ये जो ए बी सी डी वाले जो खर्चे हैं, ये खर्चे तभी लगेंगे जब भी रूम ऑक्यूपाई होगा, वरना ये वाले खर्चे नहीं लगेंगे. मतलब ऑल दीज पर्टिकुलर कॉस्ट, ये जो भी सारे के सारे कॉस्ट हैं, these are nothing but variable cost. These are nothing but variable cost. ठीक है, आगे. Lighting, ₹20 per day in each season for ordinary room. चलो ठीक है, 25 per day in each season for deluxe room. Okay, 30 per day in each season for aristocrat room. Okay. अब ये जो लाइटिंग वाला खर्चा है ना, ध्यान से फिर से पढ़ेंगे. 20 पर डे इन ईच सीजन फॉर ऑर्डिनरी रूम. आई थिंक इस लाइन का मतलब ये है, इफ वन ऑर्डिनरी रूम इज ऑक्यूपाइड, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है दीज डिपेंड अपॉन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो ये वेरिएबल कॉस्ट, ये वाले खर्चे तभी लगेंगे जब भी रूम ऑक्यूपाई होगा. तो अगर एक ऑर्डिनरी रूम एक दिन के लिए ऑक्यूपाई होता है ना, दैट विल कॉस्ट यू 20 पर डे, चाहे कोई भी सीजन हो. डीलेक्स रूम एक दिन के लिए ऑक्यूपाई होता है 25, एरिस्टोक्रेट एक दिन के लिए ऑक्यूपाई होता है तो 30, ठीक है. ये हो गया पार्ट ए वाला खर्चा. अभी फॉर सम रीजन ना, मैं पार्ट ए के बाद पार्ट सी पर आ रहा हूं. पार्ट बी एक मिनट के बाद करता हूं. लाइट रिफ्रेशमेंट 35 पर डे पर रूम फॉर समर, 45 पर डे पर रूम फॉर विंटर, 60 पर डे पर रूम फॉर मॉनसून. ये लाइट रिफ्रेशमेंट वाला ऐसा खर्चा है कि अगर समर सीजन के अंदर कोई भी रूम ऑक्यूपाई होगा, कोई भी बोले तो ऑर्डिनरी, डीलेक्स या एरिस्टोक्रेट, खर्चा कितने का हो जाएगा? 35. अगर विंटर के अंदर है तो 45, अगर मॉनसून है तो 60. तो पार्ट ए वाला खर्चा देखोगे ना, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ सीजन, इट इज डिपेंडेंट अपॉन रूम. पार्ट सी वाला खर्चा देखोगे, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ रूम, इट इज डिपेंडेंट अपॉन सीजन. तो अभी पार्ट बी भी पढ़ लेता हूं. सैलरी ऑफ रूम अटेंडेंट 40 पर डे ऑर्डिनरी रूम इन समर, 50 पर डे डीलेक्स रूम इन समर, 60 पर डे एरिस्टोक्रेट रूम इन समर. तो अगर समर है, अगर ऑर्डिनरी रूम है, तो कॉस्ट कितना लग जाएगा? 40, प्रोवाइडेड रूम इज ऑक्यूपाइड. वो एक कॉमन चीज है फॉर एबीसीडी, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर वेरिएबल कॉस्ट. और ऊपर एक लाइन भी है, दीज चार्जेस डिपेंड अपॉन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है. अच्छा, अगर समर सीजन ही है और डीलेक्स रूम का बात कर रहे हो, इल बिकम 50. अगर समर सीजन का ही बात कर रहे हो एरिस्टोक्रेट का, इल बिकम 60. तो उन लोगों ने ना समर का तीन केसेस दे दिया, तीन टाइप ऑफ रूम का. तो विंटर और मॉनसून का भी दो, देखो आगे दिया है पॉइंट नंबर 4 के, 30, 40 एंड 50 रिस्पेक्टिवली फॉर ऑर्डिनरी, डीलेक्स, एरिस्टोक्रेट रिस्पेक्टिवली इन विंटर एंड मॉनसून. तो ये जो 30 है ना, ये विंटर और मॉनसून दोनों का चार्जेस है पर रूम पर डे.
फॉर ऑर्डिनरी रूम्स, डीलक्स के लिए 40 हो जाएगा, एरिस्टोक्रेट के लिए 50 हो जाएगा। तो सोचो उन लोगों ने सब कुछ अपने को बता ही दिया। एक सेकेंड, पार्ट ए वाला खर्चा ऐसा था विच इज डिपेंडेंट अपॉन रूम, पार्ट बी वाला खर्चा ऐसा था विच इज डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ रूम ऑल्सो एंड टाइप ऑफ सीजन ऑल्सो, टाइप सी वाला ऐसा खर्चा था विच इज डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ सीजन, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ रूम। ठीक है, अब ये पार्ट डी भी पढ़ लो, अदर एक्सपेंसेस 20 पर डे पर रूम, चाहे कोई भी रूम हो चाहे कोई भी सीजन हो, ये वाला कॉस्ट तुम्हारा ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, आगे द कैपेसिटी एज सच इज वेरी अनसर्टेन, हाउएवर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स। ठीक है, इन समर द यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम एंड ऑल 150 रूम्स रिमेन ऑक्यूपाइड। वो लोग क्या बोलते हैं कि समर के अंदर यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम, All 150 rooms remain occupied. 150 कौन सा वाला? Ordinary. तो दिमाग के अंदर बिठा लेना, ordinary के अपने पास 150 rooms हैं, ये वाला चीज याद रखना। In case of deluxe and aristocrat, utilization is 90 rooms and 60 rooms. That is 90% and 80% respectively. ये वाला जो लाइन है ना, जो मैं अब फिर से एक और बार अंडरलाइन कर रहा हूं, मेरे को ये लाइन तुम लोग पढ़ के दो, पढ़ो अपने मन में, और मेरे को बोलना डीलेक्स और एरिस्टोक्रेट रूम के कितने रूम्स हमारे पास हैं, ये नहीं कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हैं, वो तो दिया हुआ है, मेरे को बोलो कितने रूम्स हैं। एक मिनट ले लो, चलो चलो तुम्हारा जो टाइम है वो खत्म हो गया है। चलो मेरे ख्याल से डीलेक्स के अपने पास 100 रूम्स हैं, 100 रूम्स कैसे आया, 90 रूम्स ऑक्यूपाई हुआ था, दैट रिप्रेजेंटेड 90% का यूटिलाइजेशन, तो अपने पास डीलेक्स के 100 रूम्स हैं, इसका हम लोग वर्किंग नोट भी बनाएंगे वैसे। और एरिस्टोक्रेट का 60 रूम्स था That represented 80% का ऑक्यूपेंसी, तो मतलब अपने पास 75 रूम्स होंगे which were occupied to the extent of 80%, तो इसलिए 60 रूम्स were occupied। ठीक है, इन विंटर यूटिलाइजेशन इज 80, 60 and 40 respectively for ordinary, deluxe and aristocrat room, in monsoon utilization is only 60, 40 and 20%। ठीक है, in addition each hotel has to bear charge of head office expenses respectively। ठीक है, proportionately it is estimated that head office expenses will be 20 lakhs and monsoon and mumbai branch will bear 10% of total head office expenses। वो लोग क्या बोलता है कि ना हेड ऑफिस का खर्चा 20 लाख रुपए का है साल का, और ये जो हमारा मुंबई ब्रांच है, हम लोग मुंबई ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, होटल लीला मुंबई, तो दे विल बी बेरिंग 10%। ठीक है, मतलब 2 लाख रुपीज, तो सारे कॉस्ट के नहीं 2 लाख रुपीज भी डाल देना, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट ही होगा क्योंकि 20 लाख रुपीज भी फिक्स्ड ही है। इट इज मैनेजमेंट्स पॉलिसी टू एड 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट, मार्कअप मतलब प्रॉफिट। ठीक है, एरिस्टोक्रेट रूम चार्जेस शुड बी 3 times the ordinary room charge and deluxe room charges should be twice the ordinary room charge। ओके, You are required to work out various rates for the next year। ठीक है, वो लोग क्या बोलता है कि ना जब तुम लोग charges fix करेगा ना for the customer, एक मिनट, aristocrat room charges, charges for a hotel sector mean charges per room per day। So charges in this particular case 3 times aristocrat room का charges should be 3 times the ordinary room charge and deluxe room charges should be 2 times the ordinary room charge। ठीक है, और आप लोगों को यहां पे rates निकालना है for the next year, assume 360 days, rates बोले तो लिखना चाहो तो लिख लेना rate per room per day, बोले तो rate per room day, आपको वो वाला चीज निकालना है। ठीक है,
अभी हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक चीज बहुत ऑब्वियस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले ना तीन टाइप्स ऑफ रूम्स निकाल देता हूं, ऑर्डिनरी का 150 रूम्स दिया हुआ है, डीलक्स और एरिस्टोक्रेट का ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड वर्किंग नोट के अंदर ना हर सीजन के ना 120 डेज है, वो कैसे आया है वो भी निकाल लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे सम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो इधर आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। यहां पे लिखो जरा प्लीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। फॉर, अच्छा तुम लोग मेरे को जरा बोलो किस पीरियड के लिए स्टेटमेंट बनाऊं, वन मंथ, वन डे, बोलो। वन ईयर के लिए बनाना पड़ेगा, ऐसा क्यों? समके ने दिया हुआ है अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, और देखो अगर मैं एक मंथ का बनाऊंगा ना उसके अंदर तो बेटा तीन सीजन्स भी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा, ओके। सो वो वाला काम नहीं कर सकते फॉर वन ईयर। चलो तो यहां पे पर्टिकुलर्स, और उसके बाद अमाउंट। रोमन नंबर वन, फिक्स्ड कॉस्ट। रोमन नंबर वन, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सुन अब ये सारे के सारे फिक्स्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छह कॉस्ट तुम लोग यहां पे लिख लेना एक मिनट में, ठीक है। सेवंथ वाला मैं लिख देता हूं। इन सब के अलावा देखो सामने अपने को नीचे एक चीज दिया हुआ था कि ना हेड ऑफिस के खर्चे हैं, देखो ऐसा किधर ना किधर कुछ था। इट इज एस्टिमेटेड दैट हेड ऑफिस एक्सपेंसिस विल बी 20 लाख एंड मुंबई ब्रांच विल हैव टू बेयर 10% ऑफ टोटल हेड ऑफिस एक्सपेंसिस। तो यहां पे लिख लेना हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, पहले छह तो वहां से कॉपी पेस्ट ही करना है। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 20 लाख इनटू 10%, तो ये वाला फिगर 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम लोग एक काम जरा करो, वो वाले छह खर्चे कॉपी करो और यहां तक जरा पहुंचो, ठीक है। ये वाले जो भी आपके, ये जो आपको इसके अंदर यहां पर खर्चे वो दिए हुए हैं, ये वाले खर्चे बस कॉपी पेस्ट कर लो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर बेटा, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। ये छह चीजें कॉपी करो, नाम और अमाउंट, ओके, वो कॉपी करो प्लीज। मैं तब तक टोटल कर लेता हूं। अच्छा यहां तक हो गया। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर चार कॉस्ट हैं बेटा, ए बी सी डी, वो यहां पे लिख रहा हूं। लाइटिंग, सैलरी, लाइट रिफ्रेशमेंट, अदर एक्सपेंसेस, भूल गया, लाइटिंग सेकंड, सैलरी ऑफ रूम अटेंडेंट, थर्ड लाइट रिफ्रेशमेंट, और फोर्थ अदर्स। बस इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा और कोई खर्चे ही नहीं है, रोमन नंबर टू आ जाएगा, ठीक। अच्छा वो जब ही आएंगे तभी देख लेंगे, लिखिए उसके बाद टोटल कॉस्ट 1 + 2। अच्छा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन हमको कस्टमर्स को अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन कॉस्ट नहीं चार्ज करना है, अपने को अपना प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो सम के अंदर लिखा हुआ था मार्कअप, मार्कअप जरा सम के अंदर देखो एक बार,
मार्कअप सम के अंदर कैसे दे के रखा है, इट इज 25% ऑन कॉस्ट। देखो तो जितना भी ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, तो अपने को रेवेन्यू जो है पर एनम इतना चाहिए। दिस इज सपोज टू बी आर रेवेन्यू टारगेट फॉर दिस एंटायर ईयर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना तकरीबन 12 या 13 लाइंस को रखना, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट बनाना ही नहीं है, अपना ऑब्जेक्टिव है कि सामने बोला है कि रेट्स तय करो, ठीक है। क्या तय करो, रेट्स तय करो, ठीक। तो अपने को रेट्स निकालने हैं ऑर्डिनरी रूम के, डीलक्स रूम के, एरिस्टोक्रेट रूम के, ठीक है। अपने को वो वाला काम करना है, ठीक है। अभी आगे चलो, एज ए रोल सबसे पहले ना एक काम जरा वो कर लेते हैं, दो वर्किंग नोट्स बनाएंगे, वन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रूम्स एंड वन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इन दिस केस डेज, ठीक है, इन ईच सीजन। सबसे पहले ये दोनों जो नोट्स हैं वो बनाता हूं, ओके। तो लिखिए जरा प्लीज, वर्किंग नोट नंबर वन, नंबर ऑफ रूम्स ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ रूम्स ऑफ ईच टाइप। हम लोगों ने ये वाला चीज ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, ऑर्डिनरी, डीलक्स, एरिस्टोक्रेट, वन फिफ्टी रूम्स, डीलक्स, डीलक्स के 90 रूम्स हैं डिवाइडेड बाई 90% का ऑक्यूपेंसी, हंड्रेड रूम्स। एरिस्टोक्रेट कुछ 60 रूम्स ऑक्यूपाइड था, दैट रिप्रेजेंटेड 75% का ऑक्यूपेंसी, नहीं 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 दैट रिप्रेजेंटेड, एक सेकेंड, इन केस ऑफ डीलक्स एंड एरिस्टोक्रेट रूम यूटिलाइजेशन इज 90 and 60, दैट इज 90% एंड 80%, ये यहाँ पे लिखा भी था एंड 80%, ये वाला आंसर 75 रूम्स आया था, ठीक है। ये हो गया वर्किंग नोट वन, नंबर ऑफ रूम्स ऑफ ईच टाइप, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इन ईच सीजन, नंबर ऑफ डेज इन ईच सीजन, उन लोगों ने क्या बोला था, 360 डेज होंगे पूरे साल के अंदर, इक्वली डिवाइडेड इंटू थ्री सीजन्स, समर विंटर मॉनसून। तो हर सीजन 120 डेज का हो जाएगा, वैसे 120 डेज ऐसे भी आ जाएगा, ईच सीजन इज ऑफ 4 मंथ्स, नो 30 इंटू 4 मंथ्स इज इक्वल टू 120 डेज, ठीक है। ये वाला काम तुम्हारा हो गया, नंबर ऑफ डेज इन ईच सीजन, ठीक है। अभी देखो तुम्हारा काम है, और रफ के अंदर ही करना, ऑनेस्टली तुम लोग को 10 मिनट तो लगने चाहिए, उसे जल्दी आंसर आया मोस्टली गलत ही होगा। तुम लोग क्या करना, मेरे को फर्स्ट वाला जो एक्सपेंस है ना, देखो तुम्हारी ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर ये वाला सारा का सारा जो काम है, फिक्स्ड कॉस्ट तो हो गए, अभी लाइटिंग कॉस्ट चाहिए, ठीक है। क्या करना, तुम लोग मेरे को पूरे साल का लाइटिंग कॉस्ट का खर्चा निकाल के दो, पूरे साल का, पूरे साल का, पूरे साल मतलब सारे के सारे रूम्स का, सारे के सारे सीजन का। लेकिन याद रखना ये चारों खर्चे ऐसे हैं ना विच विल ओनली गेट इनकर्ड इफ द रूम इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। 10 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, सब लोग ट्राई करना, सब लोग, एक एक बच्चा ट्राई करेगा ये वाला चीज, ओके। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी गिविंग मी लाइटिंग कॉस्ट फॉर दिस एंटायर ईयर, इफ यू कैन गेट इट,
मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम आईडी AGNX, सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया. आई वॉन्ट दैट मैसेज फ्रॉम एवरीबडी. नीचे अपना नाम भी लिखना. ओके तो मेरे को भी याद रहेगा कि इंडिया के अंदर कितने बच्चे लोग को ये वाले आंसर्स मिले. आई ट्राई टू रिमेंबर. ओके 10 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो. चलो सुनो तुम्हारा आंसर कितना आया बेटा, देखें थोड़ी देर में. सुनो अभी मैंने जब तुम लोग को बोला ना कि ये क्यों बनाया है, तुमको 2 मिनट के बाद पता चलेगा. सुनो मैंने जब तुम लोग को बोला कि ना लाइटिंग कॉस्ट कंप्यूट करो, तुम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए था. सर पहले ना ऑर्डिनरी रूम्स का कंप्यूट करते हैं, लिखना मत. सर उसके अंदर भी 3 बार कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एक्चुअली इकट्ठा भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है चलो मैं अलग अलग करता हूं. समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून. मैं तुमको एक कैलकुलेट करके देता हूं. ठीक है 20 पर डे इन ईच सीजन फॉर ऑर्डिनरी रूम्स, तो इट इज 20 पर रूम पर डे, मतलब 20 पर रूम डे. ठीक है आई थिंक यहां पर भी 20 है, यहां पर भी 20 ही है. ठीक है एक रूम अगर एक दिन के लिए ऑक्यूपाई होगा तो लाइटिंग का खर्चा ₹20 है. नाउ यू शुड ट्राई टू बी थिंकिंग सर ऑर्डिनरी के कितने रूम्स हैं, 150. सर समर सीजन के अंदर कितने डेज हैं, 120. लेकिन खर्चा तभी होगा जब ही रूम ऑक्यूपाई होगा. तो ऑर्डिनरी का समर सीजन के अंदर ऑक्यूपेंसी जरा देखना. मेरे ख्याल से यहां पे लिखा हुआ है ऑल 150 रूम्स रिमेन ऑक्यूपाइड, ऑल 150 रूम्स. तो मतलब ऑक्यूपेंसी कितना है, 100%. दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर. सेम वे सेकेंड, सेम वे थर्ड, हर एक जगह पे नंबर ऑफ रूम्स. ये ऑर्डिनरी है तो 150, उसके बाद 120. ओके इनटू परसेंटेज ऑक्यूपेंसी देखते रहो. ये हो गया ऑर्डिनरी का. सेम वे डीलेक, सेम वे एरिस्टोक्रेट. ठीक है ऐसे तुम लोग 9 नंबर्स ऐड करोगे तो आंसर मिल जाएगा. नाउ दिस इज वॉट एवर यू शुड हैव डन इन दोस 10 मिनट्स. लेकिन एग्जाम के अंदर वो नहीं करने का, पागल हो जाओगे. क्योंकि क्या है अभी तो ये ऑर्डिनरी है, समर विंटर मॉनसून, फिर डीलेक्स आएगा, फिर एरिस्टोक्रेट आएगा. कैलसी के ऊपर 9 नंबर्स को ऐड करो, एक गलती तो हो ही जाएगी. वो तो सर गलतियां नहीं होती, ठीक है नहीं होंगी. उसके बाद तुमको सेम काम बाकी एक्सपेंसेस के लिए भी करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ एक ही एक्सपेंस है. तो मैं तुमको एक बेटर आइडिया दे रहा हूं, बेटर आइडिया जरा देखना. सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट्स कंप्यूट नंबर ऑफ रूम डेज. क्योंकि जरा सोचो तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, बार 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 यू आर टेकिंग नंबर ऑफ रूम्स, मल्टीप्लाइंग बाय नंबर ऑफ डेज एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय परसेंटेज ऑक्यूपेंसी. जरा सोचो ना, नंबर ऑफ रूम डेज भी तो ऐसे ही आता है. व्हाट इज वन रूम डे, व्हेन वन रूम इज ऑक्यूपाइड फॉर वन डे दैट कॉम्पोजिट यूनिट इज कॉल्ड एज वन रूम डे. तो बस यहां पे तुम लोग वही तो करते हो. तो मेरी तरफ से एक आकाशवाणी, वो याद रखने की है तुमको. कभी भी क्वेश्चन होटल सेक्टर का हुआ ना और तुमको एंड के अंदर बोला हुआ है कंप्यूट द चार्जेस, तो चार्जेस यू हैव टू बी कंप्यूटिंग पर रूम डे. तो सबसे पहले ना नंबर ऑफ रूम डेज निकाल लिया करो. वो तुमको वैसे भी बाद में चाहिए लेकिन पहले ही कर लो. ओके उससे तुम्हारा बाकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है. सो आई एम ट्राइंग टू कंप्यूट नंबर ऑफ रूम डेज. और उसके अंदर भी एक और केवियट है, एक और इंस्ट्रक्शन है तुमको. वो क्या है, जितना बाइफर्केशन कर सकते हो, जितना कैटेगरीज, जितना टाइप्स हो सकता है, वो सारे के हिसाब से तुम लोग रूम डेज निकाल लो. इस क्वेश्चन के ना जैसे मैं 9 टाइप ऑफ रूम डेज निकालूंगा, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ रूम्स है, 3 टाइप्स ऑफ सीजन है, तो 9 ऑप्शन है अपने पास. ठीक है तो मैं सब ऑप्शन के हिसाब से नंबर ऑफ रूम डेज निकाल लूंगा. तो अब जरा लिखो वर्किंग नोट नंबर 3. नंबर ऑफ रूम डेज पर एनम. देखो वर्किंग नोट 3, नंबर ऑफ रूम डेज पर एनम. ठीक है अभी ध्यान से मेरे को पहले ये लिखने देना, क्योंकि उसके बाद तुम लोग को एक फॉर्मेट वो बनाना पड़ेगा. ठीक है और तुमको टाइम लगेगा टू बी कंप्लीटिंग इट. सुनो क्या कर रहा हूं, एक तरफ मैं यहां पे सीजन्स लिखता हूं, 1 मिनट के बाद बनाओ, और एक तरफ मैं यहां पे रूम्स लिखता हूं. रूम्स आर ऑर्डिनरी, उसके बाद डीलेक्स, और उसके बाद एरिस्टोक्रेट,
और इधर आ जाएगा टोटल, ठीक है, सीजन्स के अंदर यू हैव समर, यू हैव विंटर, यू हैव मॉनसून एंड देन यू विल बी हैविंग टोटल, ठीक है। ऑर्डिनरी का 150 रूम्स है, डीलक्स का 100 रूम्स है, एरिस्टोक्रेट का 75 रूम्स है, 120 डेज है, 120 डेज है, 120 डेज है, इज दिस ओके? चलो अभी एक सैंपल में दे रहा हूं, फिर तुम लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ध्यान से सुनो। मेरे को ऑर्डिनरी रूम्स का समर सीजन के अंदर रूम डेज चाहिए। व्हाट इज वन रूम डे? वन रूम इज ऑक्यूपाइड फॉर वन डे, ओके। सो 150 रूम्स, 120 डेज ऑफ समर सीजन इनटू, अभी अभी देखा भी था, समर सीजन के ना ऑक्यूपेंसी इज 100%। तो ये जो तुम्हारा आंसर है कैलसी के ऊपर 150 इंटू 120 इज 18,000 रूम डेज, ठीक है। एक मिनट के लिए मत लिखो, मेरा नेक्स्ट वाले के बाद तुम लोग लिख लेना। अभी ऑर्डिनरी का विंटर के लिए काम कर रहा हूं, ऑर्डिनरी का विंटर के लिए 150 रूम्स है, 120 डेज है। अभी ऑक्यूपेंसी देखो किसका, ऑर्डिनरी का विंटर के अंदर, ऑर्डिनरी का विंटर के अंदर देखो जरा यहां पे लिखा हुआ है, इन समर यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम, ऑल 150 ऑर्डिनरी रूम्स रिमेन ऑक्यूपाइड। इन केस ऑफ डीलेक्स रूम्स एंड एरिस्टोक्रेटियम यूटिलाइजेशन इज 90 एंड 80% रिस्पेक्टिवली। लेकिन याद रखना ये वाला चीज जो है ना, ये ऑर्डिनरी रूम्स का है इन समर सीजन, और ये जो 90 और 60 है ये डीलेक्स और एरिस्टोक्रेट रूम का है। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को डीलेक्स रूम का नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे को ऑर्डिनरी रूम का विंटर के अंदर चाहिए। तो एक काम, जरा रुको ना, रुको रुको रुको, मैं क्या करता हूं पहले ना फटाफट ये वाला काम कर देता हूं, 150 इंटू 120, वेट वेट वेट, दिस विल बी 100 इंटू 120, दिस विल बी 100 इंटू 120, दिस विल बी 100 इंटू 120, दिस विल बी 75 इंटू 120, दिस विल बी 75 इंटू 120, दिस विल बी 75 इंटू 120, ठीक है। अभी मेरे लिए वो परसेंटेज लिखना थोड़ा सा इजी होगा, सुनो जरा। देखो अभी यहां पर इन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन समर द यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम, ऑल 150 रूम्स रिमेन ऑक्यूपाइड, तो ये समर सीजन की कहानी है। इन केस ऑफ डीलेक्स एंड एरिस्टोक्रेट यूटिलाइजेशन इज 90 एंड 60, दैट इज 90% एंड 80% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये समर सीजन का तीनों टाइप्स ऑफ रूम्स के बारे में था, कितना था, 100%, 90%, 80%, ठीक है, वेट। उसके बाद इन विंटर यूटिलाइजेशन इज 80-60-40, विंटर के अंदर 80%, 60%, 40%, ठीक है। और उसके बाद मॉनसून के अंदर 60-40-20, ठीक है। अभी चलो मैंने कंप्लीट कर ही दिया है, अभी तुम लोग क्या करना, 60-40 और 20 है ना बेटा, हाँ, अभी तुम लोग क्या करना, तुम लोग ये सब कुछ अभी कंप्यूट करो और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल्स भी कर लेना, ठीक है। ये वाला काम तुम लोग इस वक्त कंप्लीट कर रहे हो, आज तुम लोग को बहुत ज्यादा काम है जो तुम लोग को करने का है, ठीक है। तुम लोग स्टार्ट करो, यहां पर जो रूम डेज हैं वो खत्म हो जाओ, उसके बाद वीडियो फिर से स्टार्ट कर लो। चलो तुम्हारा जो ये वाला टेबल है कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ रहेगा, ये वाले टोटल से एक बार चेक कर लेना प्लीज, और एक ग्रैंड टोटल भी चेक कर लेना, 78,600, ठीक है। अभी इन एग्जाम्स नो ये वाला टेबल सबसे पहले बनाना, ठीक है, इससे तुम्हारा काम अभी जरा देखो कैसे इजी होगा। अभी तुम लोग 5 मिनट के लिए कुछ नहीं लिखना, क्योंकि उसके बाद मेरे को तुमको कैलकुलेशन का काम वो बहुत ज्यादा देने का है, ठीक है, सुनो मेरी बात। वर्किंग नोट नंबर 4, तुम लोग नहीं लिखो, लाइटिंग, देखो लाइटिंग मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए, कॉपी मत करना तुम्हारा पोपट होएगा। ऑर्डिनरी समर विंटर मॉनसून,
ठीक है, अभी क्वेश्चन ने बोला था दैट इट इज 20 पर रूम पर डे, 20 पर डे नीड सीजन फॉर ऑर्डनरी रूम. अगर एक ऑर्डनरी रूम ऑक्यूपाई होता है, कॉस्ट इज गोइंग टू बी रुपीज 20 इन ईच सीजन. मतलब 20 इधर भी है, 20 इधर भी है, इधर भी है. ठीक है, अभी जरा देखना कि मैं ये वाला इंफॉर्मेशन कैसे यूज करता हूँ. सुनो, ये वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 जो है ना, अब मेरे को कुछ काम में नहीं आने वाला, मैं डिलीट कर रहा हूँ. देखो, ये वाला जो टेबल है ना, अब मैं उसको कैसे यूज करता हूँ. देखो, ऑर्डनरी समर मतलब ये वाला डेटा, 20 पर रूम पर डे इंटू 18,000 रूम डेज, क्योंकि रूम डेज के अंदर ऑलरेडी रूम्स आ गया, ऑलरेडी डेज आ गया, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी भी आ गया, मेरा काम खत्म. सेम वे यहां पे ऑर्डिनरी विंटर 14,400, उसके बाद यहां पे 10,800. ठीक है, बस ये वाला काम कर लो, तुम्हारा ऑर्डिनरी का काम खत्म हो गया. अगर मैथ्स के ना थोड़े से और अच्छे हो तो अभी एक चीज बोल सकता हूं कि ना 20 कॉमन हो जाएगा बेटा, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, तो मैं तीन बार करूं ही क्यों. मैं डायरेक्टली भी तो कर ही सकता हूं, डायरेक्टली मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस. अब जरा देखना मैं क्या करता हूं, देखना जरा. मैं यहां पे वर्किंग नोट 4 लिखा, मैं यहां पे सिर्फ तीन लाइन लिखता हूं, ऑर्डिनरी डीलक्स एरिस्टोक्रेट. ठीक है, ऑर्डिनरी के अंदर कॉस्ट इज रुपीज 20, बट ये वाला पेज वॉन्डू किया था तो फिर से आ गया, एक सेकेंड डिलीट कर रहा हूं. अब जरा देखना, यहां पर भी 20 है, यहां पर भी 20 है, यहां पर भी 20 है, तो तीन बार मल्टीप्लाई क्यों करूं, ये तो कॉमन हो ही जाता है ना. सो देयरफॉर 20 पर रूम डे इनटू 43,200 रूम डेज, ये आ जाएगा 8,64,000. जस्ट वेट, उसके बाद डीलक्स का तुम्हारा जो रेट है 25 और 30, ये वाला जो चीज है प्लीज लिखो मत, 22,800, 12,600. मैं कर रहा हूं वो तुम लोग नहीं करो, 25 into 22,800, ये आ जाएगा 5,70,000, 30 into 12,600, 3,78,000, प्लस 5,70,000 प्लस 8,64,000, तुम्हारा आंसर 18,12,000 होना चाहिए था. सोचो जरा तुम लोगों ने कितना टाइम लिया था और ये वाला नोट बनाने के बाद हम लोगों ने कितना टाइम लिया है. दिस 18,12,000 विल स्टार्ट टू बी कमिंग ओवर हियर, 18,12,000. ये तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 5 हो जाएगा, ये वर्किंग नोट नंबर 6 हो जाएगा, और लास्ट वाले के लिए वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ जस्ट बिफोर यू ऑल कंटिन्यू, सुनो, वर्किंग नोट 4 मेरा हो गया लाइटिंग कॉस्ट. ठीक है, अब जरा देखना वर्किंग नोट नंबर 5. दिस इज, तुम लोग कैलकुलेशन एक मिनट के बाद कर रहा हूं बेटा. सैलरी ऑफ रूम अटेंडेंट ना, सैलरी ऑफ रूम अटेंडेंट, यहां पर एक ऑर्डिनरी आ जाएगा, लेकिन यहां पर ना चार्जेस जरा याद करो आर डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ रूम ऑल्सो एंड टाइप ऑफ सीजन ऑल्सो. ऑर्डिनरी डीलक्स समर विंटर मॉनसून, एरिस्टोक्रैट समर विंटर मॉनसून. ठीक है, अभी मेरे को जरा बोलो यहां पर हम लोगों ने सिर्फ तीन क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे ऑर्डिनरी का खर्चा हुआ सेम इन रिस्पेक्टिव ऑफ सीजन्स, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, खर्चा चेंजेस विद रूम ऑल्सो एंड इट चेंजेस विद सीजन ऑल्सो. ठीक है, अब जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं. सैलरी ऑफ रूम अटेंडेंट 40 पर डे ऑर्डिनरी रूम समर, 40 पर डे ऑर्डिनरी रूम समर, तो इधर 40 है. 50 पर डे डीलक्स रूम इन समर, 50 पर डे डीलक्स रूम समर, तो ये वाला 50 है और ये वाला 60 है ना शायद, हाँ 40, 50, 60. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 30, 40 and 50 फॉर डीलक्स रूम एंड एरिस्टोक्रेट रूम इन विंटर एंड मॉनसून रिस्पेक्टिव, सॉरी 30, 40 and 50 फॉर ऑर्डिनरी डीलक्स एंड एरिस्टोक्रेट रूम इन विंटर एंड मॉनसून. तो विंटर और मॉनसून का जो चार्जेस है वो सेम है, तो ऑर्डिनरी रूम्स का विंटर और मॉनसून के लिए रेट 30 है, तो इधर 30, 30 आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर 40, 40 आ जाएगा, और इधर जो है कितना आ जाएगा बेटा 50, 50. ठीक है, और यहां पे अभी आपको ना 9 टाइप ऑफ रूम डेज की जरूरत पड़ जाएगी. कितने टाइप्स ऑफ, 9 रूम डेज, आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा.
अलग अलग मतलब एक मिनट में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, मेरे को कॉपी नहीं होएगा। 18,000, 18,000, उसके बाद ऑर्डिनरी विंटर, ऑर्डिनरी विंटर बोले तो ऑर्डिनरी विंटर 14,400। ठीक है, आप लोग अभी ये वाला सारा का सारा काम जो है मेरे ख्याल से तुम लोगों से हो जाएगा, 10,800, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तुम लोग ये वाला काम कर लेना। ठीक है, सुनो, यहां पे 9 नंबर्स आएंगे, केयरफुली एड अप करना, केयरफुली एड अप करना। ठीक है, अभी वेट करो क्योंकि मेरे को तुमको काफी चीजें बताने का है, क्योंकि तुमको वो सॉल्व करने के लिए काफी टाइम जाएगा। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 6, लाइट रिफ्रेशमेंट। अभी तुम लोग अपना टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, चलो मैं दिखा भी देता हूं, मेरे को जरा बोलो एडजस्टमेंट नंबर सी के हिसाब से यहां पे कितनी बार कैलकुलेट होगा। सर 3 बार कंप्यूट होगा, कैसे? समर विंटर मॉनसून। ठीक है, समर विंटर मॉनसून, तो इन दिस पर्टिकुलर केस 35, 45, 60 अब अपना ये वाला टेबल देख के मेरे को जरा बोलाओ कि कौन से 3 नंबर से मल्टीप्लाई करूं। बोलो कौन से 3 नंबर से मल्टीप्लाई करूं। 36,000, 25,200, 17,400। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाले टोटल्स, ठीक है, ये वाले टोटल्स, ऑफकोर्स ये वाले टोटल्स। ठीक है, सो अपना जो काम है, ये वाला जो काम है ये हो गया। ठीक है, अभी एक चीज तो मेरे को बताना, आई बी प्राउड प्राउड ऑफ यू यार, ये जो अदर्स वाला है इट इज 20 पर रूम पर डे, 20 पर रूम पर डे, तो यहां पे लिख लेता हूं इट इज रुपीज 20 पर रूम पर डे। मैंने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया अदर्स के लिए, मेरे को बोलो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एक स्टेप के अंदर कंप्यूट हो जाएगा। कैसे एक स्टेप के अंदर बेटा, 20 पर रूम पर डे है, कोई भी रूम हो या कोई भी सीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर तो तुम्हारा एक ही स्टेप के अंदर आ जाएगा। मेरे को बोलो 20 पर रूम पर डे इंटू, बोलो आगे, 78,600, ये वाला फिगर 78,600। ठीक है, बस वंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज ओवर उसके बाद अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, एंड दिस इज वॉट एवर हाउ द थिंग्स विल बी एंडिंग एज सच। ठीक है, अभी क्या करो, आप लोग अपने वर्किंग नोट 5 और 6 कंप्लीट कर लेना, ये जो अदर्स वाला है 20 × 78,600, ये तो चलो मैं लिख ही देता हूँ 15,72,000। एक मिनट, अब मैंने एक चीज शायद गलत लिख लिया था, रोमा नंबर 2, ओ हो, तुम लोगों ने शायद ठीक ही लिखा होगा, मैंने एक लाइन मेरे ख्याल से नीचे लेना चाहिए। अभी अगर तुम लोगों ने गलत किया, मेरे को नहीं मालूम कि तुम लोगों को कैसे ठीक करोगे उसको। चलो 15,72,000। ठीक है, अभी आप लोग वर्किंग नोट 5 और वर्किंग नोट 6 कंप्लीट कर लेना, रोमा नंबर 2 आ जाएगा, 1+2 कर लेना, जितना ये है उसका 25% इधर लिख लेना, और उसके बाद रेवेन्यू पर एनम निकाल लेना। तुम लोग उतना जो काम है इस वक्त वीडियो पॉज करो, जब खत्म हो जाए आई विल ऑल्सो बी कंप्लीटिंग दिस, आई ट्राई टू पुट इन द नंबर्स। ठीक है, वर्किंग नोट 5 और वर्किंग नोट 6 जो है मैं तुम्हारे पास इस वक्त वो रख रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लो और ये वाला चीज जो है कंप्लीट कर लो, उधर डाल लो, सब लोग रेवेन्यू तक पहुंच जाओ, फटाफट काम करो, फटाफट काम करो। ठीक है, चलो अपने आंसर्स चेक कर लेना, वर्किंग नोट 5 का आंसर 31,98,000 आता है, वर्किंग नोट 6 का आंसर 34,38,000 आता है। ये दोनों नंबर्स को मैं ऊपर लेके गया, इधर 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 वो डाल दिया, ये वाला अमाउंट भी डाल दिया, ये वाला वेरिएबल कॉस्ट आ गया, 1+2 को ऐड किया तो ये वाला आंसर आ गया, उसका 25% किया तो रेवेन्यू इतना आ गया। ठीक है, 195,25 lakhs, मैं शायद दो जीरोस जो हैं गलत कम लिखे हुए हैं, एक मिनट, 195 नहीं बराबर लिखे, सॉरी 195,25,000, आई गेस दैट शुड हैव बीन योर रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन अपना सम अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये करोगे कुछ मार्क्स ही मिलने वाले तुम लोगों को। क्यों, सम ने क्या पूछा है, सम ने ये पूछा है एरिस्टोक्रैट रूम चार्जेस शुड बी 3 times the ordinary room charge and deluxe room charges should be 2x the ordinary room charge।
यू आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द वेरियस रेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर. अभी हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे हैं जिसके लिए आप लोग को मार्क्स मिलने वाला है. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पे जरा लिखना कैलकुलेशन ऑफ रेट्स फॉर द कमिंग ईयर. कैलकुलेशन ऑफ रेट्स फॉर द कमिंग ईयर. सुन, बराबर से सुनना मैं क्या बोलता हूं. देखो, व्हेन वी कंप्यूट द रेट्स फॉर द कमिंग ईयर, बराबर से सुनना मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूं. व्हेन वी कंप्यूट द रेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, तुमको रेट्स ऐसे फिक्स करने हैं कि एरिस्टोक्रैट रूम का चार्ज शुड बी 3 times योर ऑर्डिनरी रूम चार्ज एंड डीलेक्स रूम चार्ज शुड बी 2x दी ऑर्डिनरी रूम चार्ज. जो चीज तुमको चाहिए ना आप लोग उसको x बोलो. सो लेट द चार्जेस, लेकिन चार्जेस फॉर अ होटल सेक्टर विल ऑलवेज मीन चार्जेस पर रूम डे, मतलब चार्जेस फॉर वन रूम फॉर वन डे. लेट द चार्जेस पर रूम डे फॉर ऑर्डिनरी सीजन सॉरी फॉर ऑर्डिनरी क्या लिख रहा हूं यार फॉर ऑर्डिनरी रूम्स बी एक्स, तो डील एक्स इसका डबल हो जाएगा बी टू एक्स, एरिस्टोक्रैट जो है एरिस्टोक्रैट बी थ्री एक्स. सुनो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा सिंपल निकला, क्यों? क्योंकि यहां पे ना जब ये वाला पार्ट आ रहा है ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन है इन टर्म्स ऑफ रूम्स, वरना रियल लाइफ के अंदर जरा सोचो ना होटल्स का जो रेट होता है रूम वाइज भी वेरी होता है, उसके बाद सीजन वाइज भी तो वेरी होता है. ओके, तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम इवन दोस थिंग्स आर देयर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है. अभी देखो एक चीज और मेरा पोपट मत करवाना. टोटल रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड इज इक्वल टू, वो जो ऊपर आंसर था, पूरे साल के अंदर सब लोगों से आपको इतना पैसा इकट्ठा करना है. ठीक है, अब मेरे को सोच के बोलना, विल माय इक्वेशन बी लाइक दिस, x प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर फिगर. सोचो एक बार, ऑब्वियसली नॉट बेटा, दिस इज x, x इज x पर रूम पर डे. एक ऑर्डिनरी रूम अगर एक दिन के लिए हम लोग रेंट आउट करेंगे तो एक्स चार्ज करेंगे, ये तो पूरे साल का कलेक्शन है. तो अब जरा सोचो, दिस इज एक्स, ठीक है, एक्स इज ऑब्वियसली एक्स पर रूम पर डे. मैं अभी मेरे इसी स्टेटमेंट पे वापस आता हूं जो मेरे को सबसे ज्यादा काम में आता है. मैं जब भी लोगों को चार्ज करूंगा, पैसा चार्ज करूंगा, तो मैं ऑर्डिनरी रूम्स के लिए एक्स लूंगा, मतलब इधर भी एक्स ही लूंगा, इधर भी एक्स ही लूंगा, इधर भी तो एक्स ही लूंगा, मैं हर जगह पर एक्स ही लेने वाला हूं. ठीक है, मैं हर जगह पर एक्स ही लेने वाला हूं. डील एक्स के अंदर हर जगह पे 2x, यहां पे हर जगह पे 3x. ठीक है, तो जरा सोचो मेरा कलेक्शन कैसे आएगा. मैं एक्स चार्ज कर रहा हूं फॉर वन रूम फॉर वन डे, इंटू नंबर ऑफ रूम्स इंटू नंबर ऑफ डेज, और कस्टमर तो तभी देगा व्हेन द रूम इज ऑक्यूपाइड, तो इंटू 100%. ये तीनों से मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इससे अच्छा आगे कुछ बोलो. सर 43,200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस मैं वही तो करने वाला था. ओके, सो देयरफॉर एक्स पर रूम पर डे इंटू 43,200 रूम डेज प्लस 2x इंटू कितना था बेटा, 22,800 था, 22,800 प्लस 3x इंटू 12,600, बस दिस विल बी गिविंग यू योर एंटायर कलेक्शन, एंड योर एंटायर कलेक्शन फॉर द एंटायर ईयर शुड बी दिस पर्टिकुलर फिगर. मेरा काम हो चुका है, तुम लोग ये वाला इक्वेशन लिख लो और उसके बाद x ले आना, लेकिन सिर्फ x मत लाना, x भी लाओ, आगे बोलो 2x भी लाओ और 3x भी लेकर आओ. ठीक है, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, 43,200x, तुम लोग भी सॉल्व करो बेटा.
x is equal to 154.23 308.45 462.68. ठीक है, चलो तुम्हारा ये वाला जो काम हो गया, ये वाला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, बट आई थिंक सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग. इसी क्वेश्चन का जो शॉर्ट्स है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ओके, ध्यान से पढ़ना, देख पढ़ो. इन प्रॉब्लम्स ऑन होटल सेक्टर, इफ रेट्स हैव टू बी फाउंड आउट, देन फाइंड द नंबर ऑफ रूम डेज फर्स्ट फॉर ऑल द पॉसिबल कैटेगरीज. वही मैंने तुम लोग को बोला, वर्किंग नोट थ्री बनाना शुरू में कंपल्सरी है, बना हर चीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा. ठीक है, आगे वेरिएबल कॉस्ट, वी हैव पुट फोर टाइप्स ऑफ देम. See how we have calculated these expenses. जब revision कर रहे हो ना, देख लेना कि ये चार variable cost, अपने जो lighting, light refreshment वगैरह, देख लेना कि वो कैसे compute किया है. ICA finds out rates in a stupid way. We solve by taking x. Whatever you have to find as a final answer, take that as x. जैसे हम लोग को इस question के ना क्या चाहिए था, charges per room day, तो मैंने उसी को x, 2x या 3x लिया ना. ठीक है, चल. ये वाला क्वेश्चन जो है वो हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 इज सपोज टू बी डन फॉर होमवर्क, 13 मिनट से ज्यादा उसके लिए मत लेना. 23 हैज टू बी डन फॉर होमवर्क, उसके लिए 21 मिनट से ज्यादा वो नहीं लेना. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डेफिनेटली बी स्टार्टिंग विद आर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज ऑफ हॉस्पिटल्स. ओके, तो आज का अपना जो काम था, दैट इज ऑल टुगेदर डन. होमवर्क है, प्लीज उसको कंप्लीट करना अच्छे तरीके से. Thank you.